और अब बात हवा में लटकती मौत की। बिहार झारखंड में बिजली के तार से हादसे की हम चार तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये चार तस्वीरें बताती हैं कि दरअसल बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से किस तरह हमारे आपके ऊपर राह चलते मौत लटकती रहती है, जो कभी भी आम लोगों को चपेट में ले सकती है। मुजफ्फरपुर, सासाराम, पटना सिटी और बोकारो की ये चार तस्वीरें हैं। मुजफ्फरपुर में बेनीबाद मुसहरी गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ। यहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के छह लोगों की मौत हो गई और उसके बाद मातम पसर गया। रोहतास के दिनारा थाना के इंदौर में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से एक 12 साल की बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। जबकि मंगलवार को भी पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में हाईवा ट्रक बिजली के तार से सट गया, जिसकी वजह से तीन लोगों की जान चली गई। वहीं बोकारो के रानी पोखर पंचायत में एक 60 वर्षीय महिला की बिजली के करंट से मौत का मामला सामने आया है। सवाल है कि कब तक झूलते तार मौत की वजह बनते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में बेनीबाद मुशहरी गांव के पास दर्दनाक हादसा हुआ। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यहां एक ही परिवार के छह सदस्यों की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा रात के करीब 2:30 बजे हुआ। हादसे के बाद नाराज लोगों ने NH-57 को जाम कर दिया था और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता के तौर पर 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। लेकिन सवाल है कि मुआवजा देने के अलावा क्या प्रशासन इन घटनाओं से सबक लेने को तैयार है? क्या आने वाले दिनों में इस तरह के हादसों पर लगाम कसने की तैयारी है? जवाब शायद नहीं, क्योंकि हमने रियलिटी चेक किया और वो भी राजधानी के कई इलाकों में। पटना के कई रिहायशी इलाके इस मौत की चपेट में हैं, करंट की चपेट में हैं। कंकड़बाग के MIG कॉलोनी में जी मीडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया और इसके जरिए चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सड़क के एक तरफ हाई टेंशन तार है और दूसरी तरफ घरेलू बिजली के लिए भी वायर दौड़ रही है। जाहिर है ऐसे हालात में कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। राज्य के कई जिलों में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। हम अभी कंकड़बाग की MIG कॉलोनी में हैं और यहाँ बता दें कि जो यहाँ हाई टेंशन तार जो गया हुआ है वो काफी नीचे से गया हुआ है और यहाँ पर आए दिन कई घटनाएं होती रहती हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानते हैं, उनसे बातें करेंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं और ये कितने दिनों से ऐसी स्थिति है। ये 20 साल से ऐसी स्थिति है सर जी, यहाँ 2-3 घटना घट चुकी है। 2-3 घटनाएं घट चुकी हैं, आपसे जानेंगे कि जो हालात हैं कब से हैं और कहाँ कहाँ आप लोगों ने इसके बारे में बताया, उसके बाद भी आप लोग की ये समस्या बनी हुई। बिजली विभाग को भी सूचना दिया गया है, माझी जी थे मुख्यमंत्री, उस वक्त पे इनसे भी अनुरोध किया गया था कि हटाने के लिए। माझी जी भी इस बात को कहीं थे। क्या माझी जी यहीं पर रहते हैं क्या? जी रहते थे, आते भी हैं और उन्हें कहीं थे कि तार को हटा देने के लिए हाई टेंशन के बिजली विभाग को। इसमें घटा जब ये रोड नाला बन रहा था उसमें भी एक आदमी को मौत हो चुका है इसमें। और सामने हमारे एक पड़ोसी रहते हैं, उनका भी करंट लगा हाई टेंशन से। हटना बहुत जरूरी है ना, कमर्शियल और रेसिडेंशियल दोनों एरिया पड़ जाता है, तो जरूरी है कि ये सबको हटाने के लिए। रेसिडेंशियल एरिया में ये सब बहुत घातक है, हल्का सा भी आदमी हाइट ये है जिस तरह से मकान का ये है तो हल्का सा भी टच करने पर दिक्कत हो जाता है, जान माल का सबका खतरा है, घातक है, इसलिए सबको हटाना। उन्होंने अपनी यहाँ जान गंवाई है, कई लोग यहाँ पर घायल हुए हैं। मेरा भी भाई घायल हुआ था जिस समय मेरा मकान बन रहा था, हल्का सा ये हुआ था, छड़ ऊपर गया था, उसे टच हुआ था तो वो भी डैमेज हुआ था। मजदूर सभी डैमेज हुआ है, बनाने वाला बराबर एक घर में नहीं हर घर में होता है, यहाँ से वहाँ तक जक्कनपुर तक जहाँ तक है वहाँ तक प्रॉब्लम है, ये तो समस्या सबके लिए है। कितने सालों से ये प्रॉब्लम है आप लोगों को? लगभग 20 साल से ऐसा चल रहा है, जिसको हट जाना चाहिए था अब तक, जिससे कि जान माल की सुरक्षा हो सके। पापा मम्मी बोलते हैं कि बेटा बाहर मत जाओ, हमारी आँखों के सामने ऐसे कई सारे घटना हो चुकी है, इसी के कारण पापा मम्मी बोलते हैं बेटा रोड पर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, आखिर करे तो क्या करे। जैसा कि आपने सुना कि 20 सालों से ये स्थिति यहाँ पर यही है, अब देखना यह है कि बिजली विभाग कितने दिनों में ये हाई टेंशन तार को हटा पाता है। कैमरामैन मही प्रात के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना।
आगे बढ़ते हैं। पटना पुलिस जल्द ही साइकिल पर भी नजर आने वाली है। जी हां, चोरों को पकड़ने की रफ्तार तेज करने की नई कोशिश है। हालांकि अभी इसकी शुरुआत होने में वक्त है, लेकिन पटना एसएसपी मनु महाराज को साइकिल की सवारी करते देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस के अधिकारी इस नई पहल को लेकर वाकई गंभीर हैं। ये मनु महाराज हैं, देखिए, पटना के एसएसपी हैं, लेकिन साइकिल की सवारी करते हुए आपको इस तस्वीर में नजर आएंगे। पटना पुलिस की माने तो शहर की गलियों में बड़े वाहनों या बाइक से पेट्रोलिंग करने में मुश्किल आती है। तंग गलियों में वक्त रहते पुलिस के जवान पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे चोरों को पकड़ना आसान नहीं रहता। लेकिन मनु महाराज कह रहे हैं कि साइकिल से इस समस्या का समाधान हो सकता है। पेट्रोलिंग के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि साइकिल पे पेट्रोलिंग शुरू करें, उसी लिए साइकिल डिजाइन करना चाह रहे हैं एक, जो पुलिस के लिए अच्छी रहेगी। एक सैंपल इन्होंने अभी दिखाया, तो हम लोग देखते हैं क्या है। मेन मकसद है, जैसे गलियों में चोरियां होती हैं, गली में जो पुलिस है वो अधिकतम नहीं जा सकती है और पेट्रोलिंग स्लो हो जाती है, तो पेट्रोलिंग को थोड़ा मीडियम पेस पे लाने के लिए और ज़्यादा इंटेंसीफाई करने के लिए इसका फ़ायदा रहेगा। थैंक यू सर। मतलब ये अपने आप एक नई पहल को, इससे पहले तो साइकिल पुलिस तो एक तरह से समाप्त हो चुका है वो युग। नहीं नहीं, अभी इसको चालू हम लोग करेंगे। साइकिल पे पुलिस वालों की फिटनेस भी रहती है और पेट्रोलिंग इंटेंसीफाई हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मोहर लगी, जिसमें अहम फैसला लेते हुए सरकार ने 21,253 करोड़ रुपए की ऋण उगाही के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके अलावा बिहार के बंद 8 चीनी मिलों के लिए सरकार जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में फ्री वाईफाई सेवा के लिए मंजूर 1,85,00,00,000 की राशि बढ़ाकर 2,20,00,00,000 रुपए कर दिया गया है। वित्त विभाग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 के लिए राज्य सरकार के द्वारा कुल 15,951.36 करोड़ रुपए बाजार ऋण सहित कुल 20,476.60 करोड़ रुपए एवं उदय स्कीम के अंतर्गत नॉन एसएलआर बॉन्ड्स द्वारा 777.27 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा में सुधार के लिए बिहार सरकार ने नई पहल की है। अब 10वीं क्लास में जाने वाले छात्रों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ऑनलाइन परीक्षा भी होगी। सरकार के इस कदम के पीछे मंशा यह है कि परीक्षा के जरिए वो पता लगा सकेगी कि कितने छात्र मैट्रिक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। साथ ही कमजोर परीक्षार्थियों को भी आसानी से ट्रेस किया जा सकेगा, ताकि परीक्षा से पहले बचे वक्त में विषयवार उनकी तैयारी पुख्ता की जा सके। जो बहुत से ऐसे भी राज्य में विद्यालय हैं जिनको हमने एफिलिएशन दिया है, जिनको हम लोगों ने एनओसी दिया है, उन विद्यालयों से ऐसे विद्यार्थी चले आते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं से प्राइवेट रूप से आते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने उसको चेक करने के लिए और हमारे पूरे विद्यालय परीक्षा समिति में ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाने के लिए हम एक साल पहले सभी विद्यार्थी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो सीधे फर्स्ट में एडमिशन लेते हैं और टेंथ तक, जब तक मैट्रिक होता है तब तक कोई परीक्षा नहीं देते हैं। इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह निर्णय किया है सरकार के साथ बैठ के कि हम प्री मैट्रिक एक असेसमेंट टेस्ट अपने विद्यार्थियों का करेंगे। तो अभी हमारे विद्यार्थी 9 से सीधे 10th में आए हैं, उनका हम एक असेसमेंट करेंगे। और फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। We'll be right back.